पर्सनली ये बहुत बड़ा लॉस है मेरे लिए, अपने लिए और पूरे देश के लिए, फौज के लिए, गोरखा राइफल्स के लिए। कॉन्स्पिरेसी ऐसी थ्योरी पर मैं बिल्कुल भी जाना नहीं चाहूंगा, ना होगी। यंग ऑफिसर्स, ही मेड श्योर कि ही स्पोक टू ऑल यंग ऑफिसर्स। सबकी मौत बहुत दर्दनाक है, बहुत ही दुख की बात है। पूरे दिन एक गम का माहौल रहा। तब ये बड़ी दर्दनाक खबर आई है कि हेलीकॉप्टर क्रैश में हमारे पहले CDS जनरल बिपिन रावत जो है नहीं रहे। With deep regret, it has now been ascertained that General Bipin Rawat, Mrs. Madhulika Rawat, and 11 other persons on board have died in the unfortunate accident. Group Captain Varun Singh, SC, Shaurya Chakra, directing staff at DSSC with injuries, is currently under treatment at the military hospital, Wellington. आज मैं वीडियो बना रहा हूं और बहुत ही इतना अच्छा मौका नहीं है वीडियो बनाने का। अब तक मेरे जितने वीडियो हैं उसमें बहुत एनर्जी होती है, बहुत कुछ यंग बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए तौर पे कुछ ना कुछ बनाता हूँ। बट आज पूरे दिन एक गम का माहौल रहा जब से ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है कुन्नूर में, वेलिंगटन के पास जो ऊटी नीलगिरीज में है, तब से। और अभी जब भी हम सोच ही रहे थे क्या होगा, तब ये बड़ी दर्दनाक खबर आई है कि हेलीकॉप्टर क्रैश में हमारे पहले CDS जनरल बिपिन रावत जो है नहीं रहे। तो बहुत ही दुख भरा समाचार है। तो मैंने कहा मैं शेयर करूंगा, मैं वहीं रहा हूँ वेलिंगटन में जहाँ ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, वहाँ पे मेरी जनरल रावत के साथ कई सालों की का हमारा सफर रहा है साथ में। बहुत बार मैं उनको मिला हूँ, अलग अलग अपॉइंटमेंट में उनकी बात करूंगा और उनकी शख्सियत के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले आपको पता है जनरल बिपिन रावत इंडियन आर्मी के एक बहुत ही ब्रेव, बहुत ही मैं कहता हूँ लेजेंडरी ऑफिसर्स में से एक रहे, ठीक है। और ये थर्ड जनरेशन आर्मी ऑफिसर हैं। इनके फादर लेफ्टिनेंट जनरल रैंक से रिटायर हुए थे, लक्ष्मण सिंह रावत इनके फादर का नाम था, वो भी कोर कमांडर थे। पौड़ी एरिया जो गढ़वाल में है वहां पैदा हुए। इनिशियल स्कूलिंग इनकी देहरादून और शिमला में हुई और फिर ये एनडीए के लिए सेलेक्ट हो गया। उन्होंने एनडीए ज्वाइन किया, एनडीए से ये आईएमए में आए। आईएमए में खास बात क्या है, इनको स्वॉर्ड ऑफ ऑनर मिला, यानी कि आईएमए में ही वॉज द बेस्ट कैडेट इन इस कोर्स टू पास आउट इन आईएमए, जो कि था दिसंबर 1978। तो दिसंबर 1978 में ये आईएमए से कमीशन हुए और इनकी यूनिट थी 511 GR, यानी 5th बटालियन ऑफ द 11 गोरखा राइफल्स, और यही इनके फादर की यूनिट भी थी। सो इन्होंने पेरेंटल क्लेम में अपनी फादर की यूनिट ज्वाइन की एज अ सेकेंड जनरेशन ऑफिसर, बिकॉज हिज फादर हैड ऑल्सो कमांडेड द सेम यूनिट। इनका बहुत जबरदस्त कैरियर रहा फौज में। और खसूसियत क्या रही इनकी कि या तो ये नॉर्थ में रहे, कश्मीर में, या नॉर्थ ईस्ट में रहे। इन दो जगह इन्होंने काफी काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस में काफी काम किया, अलग अलग अपॉइंटमेंट्स में। तो इनका ये एक्सपीरियंस जो है, ये शायद एक कारण था जब इनको चीफ बनाया गया, 27th चीफ, जब इन्होंने जनरल दलबीर सुहाग से चीफ का पदभार संभाला, सुपरसीडिंग टू अदर ऑफिसर सीनियर टू हिम। एनीवे, तो सबसे पहले मैं बताऊंगा इन्होंने बटालियन कमांड की किबितू में। किबितू एक जगह है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चाइना फ्रंट पे, वहां इन्होंने चाइना के साथ बॉर्डर पे बटालियन कमांड की और बहुत बढ़िया तरीके से इन्होंने कमांड की। इनफैक्ट उसका इनको श्रेय दिया गया कि ये यूएसए में इन्होंने हायर कमांड कोर्स किया, आफ्टर कमांड ऑफ ए बटालियन, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है। इसके लिए यूएस गए कोर्स करने के लिए। वापस आए, इन्होंने एमएस ब्रांच में भी नौकरी करी है। ब्रिगेड इन्होंने कमांड करी 5th सेक्टर RR, जो कि कश्मीर में है। 5th सेक्टर RR इन्होंने कमांड किया और अगेन बहुत बढ़िया कमांड की उन्होंने ब्रिगेड की। तो इनको ऐसा अवार्ड या रिवॉर्ड कहो, इनको सेकेंड कमांड दी यूनाइटेड नेशंस में, जहां इन्होंने कॉन्गो में एक मल्टीनेशनल ब्रिगेड को कमांड किया, यानी कई देशों की फौज थी वहां पर, इनको सेकेंड कमांड मिली ब्रिगेड कमांडर के तौर पर। फिर ऑफ कोर्स इन्होंने एनडीसी किया और वो सब किया, अच्छे अच्छे अपॉइंटमेंट्स में रहे। और जब मेजर जनरल के लिए इनका प्रमोशन हुआ तो इनको 19 डिव, जो कि उड़ी डिवीजन है, जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे पाकिस्तान के साथ हमारी एक सबसे अहम जो डिवीजन, जिसको बोलते हैं उड़ी डिवीजन, जो कि इंडियन आर्मी के बहुत ही लेजेंडरी ऑफिसर्स ने कमांड किया है, उस डिवीजन को इन्होंने कमांड किया एज ए GOC, एज ए जनरल ऑफिसर कमांडिंग। इन्होंने बाद में प्रमोशन के बाद 3 कोर कमांड की दीमापुर में,
again dealing with China and dealing with counterinsurgency. And in his turn, he became the Southern Army Commander, Pune. में. वो बड़ा छोटा stint रहा. He was moved to Delhi as the Vice Chief. और वहाँ पर जो है, December में इनको suddenly his promotion was announced and he became the Chief. और Chief बनने के बाद इन्होंने आर्मी में काफी काफी बदलाव किया इन्होंने. मैं जानता हूँ, मैं डिस्कस करूँगा इन्होंने क्या क्या किन एरियाज पे इनका बहुत जोर था एज आर्मी चीफ. एंड जब आर्मी चीफ का इनका टेन्योर पूरा हो रहा था, तब देश ने इनको, इनकी क्षमता को देखते हुए, इनके काम को देखते हुए, इनको इंडिया का पहला पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ प्रमोट किया, जो कि 1 जनवरी 2020 को इन्होंने जो है ये कार्यभार संभाला. और सबसे पहली बात तो ऐसे चीफ इन्होंने काफी चेंज करने की कोशिश की, जो पुराने सिस्टम्स हैं, पुरानी फैक्ट्रीज हैं, पुराने जो प्रोसीजर्स हैं, पुराने जो हमारे जो है अंग्रेजों के जमाने से डेपोज हैं, उनको बंद करके उन्होंने कोशिश किया कि आर्मी को किस प्रकार से ज्यादा एफिशिएंट बनाया जाए, कैसे बजट को जो है सेव किया जाए नॉन एसेंशियल्स पे और एसेंशियल पे. यानी जब कहते हैं ना टीथ टू टेल रेशियो, तो टेल में जो पार्ट है, जो लेगेसी एस्टेब्लिशमेंट्स है, उन पे इनका काफी जोर था, इन्होंने काफी वो किया. उसमें मैंने भी इनके साथ काफी स्टडीज करी और काम किया उस पे. और ऐसे CDS इनके ऊपर बहुत दारमदार था, क्योंकि पहले CDS थे. और देश एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जबकि हमारे पास चाइना भी एक एनिमी है, पाकिस्तान भी एक एनिमी है, इंडियन ओशन रीजन में भी बहुत ज्यादा टेंशन है, साउथ चाइना सी में भी टेंशन है. इस टाइम पे थिएटराइजेशन की जो बात हो रही है कि किस प्रकार तीनों सेनाओं को जोड़ा जाए, तो उस पे इन्होंने काफी ये काम कर चुके हैं. और इस सबसे ज्यादा कमी जो इनकी महसूस होगी देश को, वो इनकी सोच को लेके होगी, जो कि थिएटराइजेशन पे है, या तीनों सर्विसेज को कैसे इंटीग्रेट करना है, इस पे काफी इन्होंने काम किया. और यहां पर हमें उनकी कमी महसूस होगी. मैंने जो इनको देखा, मैं पहली बार इनको मिला जब ये ब्रिगेडियर से मेजर जनरल प्रमोशन पे जा रहे थे, तब मुझे याद है हम मिले थे और कश्मीर के बारे में हमारी बातचीत हुई थी. उसके बाद मैं कई बार इनको मिला, और जब ये सदर्न आर्मी कमांडर थे, मैं जो है लॉजिस्टिक्स हैंडल कर रहा था, जहां मैंने इनको ब्रीफ किया पूरे सदर्न कमांड के लॉजिस्टिक्स के ऊपर. और इनको, इनके पास चॉइस थी कि वो पूरा एरिया हेलीकॉप्टर से देख सकते थे, लेकिन मुझे इनकी क्या खास बात लगी, ये नए नए आए थे प्रमोशन पे, इसने कहा नहीं, पहली बार सब कुछ रोड से देखना चाहिए, क्योंकि जब तक रोड पर नहीं जाएंगे, सब चीजें ग्राउंड पर नहीं देखेंगे, मुझे वो इल्म नहीं होगा कि इश्यूज क्या है लॉजिस्टिक्स के. तो पूरा पूरा एरिया इन्होंने डेजर्ट सेक्टर का इन्होंने बाय रोड इन्होंने देखा. उसके बाद जब चीफ बन गए और इन्होंने मुझे पर्सनली सेलेक्ट किया टू बी द फर्स्ट GOC ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर इन लद्दाख, वहां पर इन्होंने मुझे दो स्टडीज सौंपी जो मैंने स्टडीज करी लॉजिस्टिक्स चैलेंजेस को लेके. तब मैंने इनको दो तीन बार ब्रीफ किया, और हर बार हमारा बड़ा फ्रैंक किस्म से ब्रीफिंग हुई. और जो मैं इश्यूज मेरे दिल के करीब थे, जब मैंने उनके सामने लेके आए, हर बार इन्होंने कहा कि यस, ये बिल्कुल सही चीज है, हमें ये लेगेसी एस्टेब्लिशमेंट्स को, प्रोसीजर्स को चेंज करने की जरूरत है, जिससे कि हम और एफिशिएंट हों. और मुझे क्या अच्छा लगा, जब मैंने इनको पर्सनल तौर पे देखा कई फंक्शंस में या इधर उधर देखा, कि ये जूनियर ऑफिसर्स और जवानों के बहुत करीब थे. एक बार एक फंक्शन में मैंने देखा कि इतना एज एन आर्मी कमांडर, ये ही वेंट राउंड और सबसे इन्होंने हाथ मिलाया, सारे वेटर्स से, कुक से, जो लोग अरेंजमेंट कर रहे थे, जो लोग इनकी सिक्योरिटी में लगे हुए थे, जो हमारे लिए एक बहुत अच्छी चीज थी, एक थ्री स्टार आर्मी कमांडर के दिल में जो है जवानों के लिए, यंग ऑफिसर्स, ही मेड श्योर कि ही स्पोक टू ऑल यंग ऑफिसर्स. और बाय एंड लार्ज हम जैसे, हम जो इनके साथ जिन्होंने कहा कि हमें फर्स्ट नेम से जानते थे और फर्स्ट नेम से बुलाते थे. तो पर्सनली ये बहुत बड़ा लॉस है मेरे लिए, अपने लिए और पूरे देश के लिए, फौज के लिए, गुरखा राइफल्स के लिए और उनकी फैमिली के लिए. तो हमारी संवेदना है उन सबके साथ. और देश के लिए ये थोड़ा सा मुश्किल का वक्त है, इस टाइप का क्रैश हो जाता है. इसमें मुझे कोई कॉन्स्पिरेसी ऐसी थ्योरी पर मैं बिल्कुल भी जाना नहीं चाहूँगा, ना होगी. एंड क्योंकि कुन्नूर जहाँ ये क्रैश हुआ है, मैं वहाँ वेलिंगटन में मैंने दो टेन्योर किए एज ए स्टूडेंट एंड देन एज ए इंस्ट्रक्टर भी रहा हूँ मैं स्टाफ कॉलेज में. और 2008 में मुझे याद है श्री प्रणब मुखर्जी, जो उस टाइम डिफेंस मिनिस्टर थे, बाद में प्रेसिडेंट बने देश के,
इसी टाइप के लेक्चर के लिए वहां आए हुए थे और मैं उनका एलो था। और हम वहां वेलिंगटन जिम खाना क्लब में, जहां हेलीपैड है गोल्फ ग्राउंड के बिल्कुल सेंटर में, वहां पर लैंड करना था। लेकिन वहां बहुत जल्दी बादल आ जाते हैं एल्टीट्यूड की वजह से, और चारों तरफ टी गार्डन्स और पाइन ट्रीज हैं, तो वो छोटा सा नैरो वैली है जो अप्रोच करता है इस हेलीपैड को और टेक ऑफ करता है। तो बहुत नजदीक एक गांव है जहां पर ये क्रैश हुआ है। तो मुझे लगता है कि मैं जो है, जब आ रहे थे लैंडिंग के लिए, ये लेक्चर के लिए आ रहे थे, स्टाफ कॉलेज में इनका लेक्चर था आज स्टाफ कॉलेज में इनका, जो नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेटली, कुड नॉट लैंड देयर। तो द एयरक्राफ्ट विच इज अ वेरी गुड एयरक्राफ्ट अदरवाइज हैज क्रैश्ड इनटू द ट्रीज देयर, हैज क्रैश्ड इनटू द ट्रीज एंड बर्स्ट इनटू अ फ्लेम। और बहुत कोशिश के बावजूद भी जो है वी हैव लॉस्ट हिम, हिज वाइफ, ब्रिगेडियर लीडर, हिज स्टाफ ऑफिसर, द ब्रेव पायलट्स and the crew and the you know his security entourage that was with him. So sabki maut bahut dardnak hai, bahut hi dukh ki baat hai. To dil se rest in peace General Rawat, Indian Army and the nation will miss you, and we pray for the well being of your family. Thank you very much. Jai Hind.